इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश के कब्जे से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन व नकदी बरामद। बीते 3 दिन पहले बाइक सवार दंपति के साथ हुई थी लूट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर हुई थी लूट। पुलिस 2 बदमाशों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। मुस्करा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? देखिए अखिल, बिल्कुल ये बता दूंगी, पूरा ही मामला बीते 3 दिनों पहले का है जी। यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड से जा रहे एक दंपति के साथ कुछ बदमाशों ने लूटपाटी घटना को अंजाम दिया था जी। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने तमाम जांच पड़ताल के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं गायब चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने आज कल देर शाम हिरासत में लिया था जी। उसके बदमाश की निशानदेही के आधार पर पुलिस जो लूट का सामान था उसे बरामद करने गई थी। सामान बरामद करने गई पुलिस पर आरोपी ने फायर कर दिया था जी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी के साथ मुठभेड़ कर उसको गिरफ्तार कर लिया जी। अखिल जी, और जिस प्रकार से कुलदीप जो घटनाएं सामने आ रही हैं डेली अपराध की, तो आखिरकार पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो इतना मजबूत होने के बाद इस प्रकार की घटनाएं होना कहाँ तक सही है? देखिए अखिल, बिल्कुल ये कहने में कोई दुराय नहीं है कि मतलब जिस प्रकार से क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट बताया तो जा रहा है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि ऐसे कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जी। जी, और कुलदीप मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पुलिस ने जैसे कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो अब इसमें पुलिस और क्या आगे की कार्रवाई कर रही है? देखिए अखिल, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जो है तो जेल भेज दिया है जी। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई की जा रही है जी। चलिए, इस खबर पर धन्यवाद आपका, जो जानकारी आपने साझा की हमीरपुर से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाश के कब्जे से जो लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन व नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि बीते 3 दिन पहले बाइक सवार दंपत्ति के साथ ये लूट की गई थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़20।